देखिए कैसे होती है ब्रेन सर्जरी। इस सर्जरी में दोस्तों सबसे पहले पेशेंट्स को एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे पेशेंट्स बेहोश हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर अपना काम करते हैं। जिस हिस्से में डॉक्टर सर्जरी करते हैं, पहले वहाँ के बाल हटाए जाते हैं, फिर सिर के ऊपर एक कट लगाया जाता है और स्किन को हटाया जाता है। इसके बाद दोस्तों डॉक्टर ड्रिल से हड्डी की परत पर होल करते हैं और उसे हटाते हैं, जिसके बाद ब्रेन साफ दिखाई देता है। ब्रेन में इक्विपमेंट से डॉक्टर ट्यूमर को निकालते हैं और जब सफलतापूर्वक सर्जरी हो जाती है तो हड्डी की परत को जोड़ने के लिए उसमें स्क्रू इस्तेमाल किए जाते हैं। ये स्क्रू हमेशा के लिए अंदर रहते हैं। इसके बाद स्किन लेयर को टांकों से सिल दिया जाता है और दवाई लगाकर पट्टियां लगा दी जाती हैं, जिस कारण से घाव जल्दी भर जाता है। ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।